सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपोगंडा तकरीबन एक महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। मैं चाहती हूँ कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने आगे जाके, कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने, क्योंकि उसको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े जैसे आज अभिनव को करना पड़ रहा है। जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जैसे एलिगेशंस लगाने हैं वो लगाए, अभिनव अपने भक्ति के मार्ग पर हमेशा ही रहेगा। सोशल मीडिया के थ्रू हमारा सोशल एसेसिनेशन करने की कोशिश की गई है और ये प्रोपोगंडा तकरीबन एक महीने से चल रहा है। अभिनव ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है जिसके लिए हमारे पास धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं। हमारे पास कॉल्स आते हैं कि आपके बच्चे को मार देंगे, काट देंगे, बहुत अपशब्द बोल रहे हैं, बहुत गालियां दे रहे हैं। अभिनव ने सिर्फ भक्ति करने के अलावा कुछ ऐसा गलत काम नहीं किया है जिसके लिए उसको इतना कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। आज की बात बता रही हूँ, आज 3:30-4 बजे के करीब हमारे पास लॉरेंस बिश्नोई ग्रुप से एक मैसेज आया व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें हमें धमकी दी जा रही है कि अभिनव को मार दिया जाएगा। इसकी मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री और बताऊंगी। कल रात को हमारे पास एक कॉल आया 8 बजे, जो मैं पिक नहीं कर पाई, क्योंकि दिन में इतने सारे कॉल्स आते हैं कि हम हर कॉल को पिक नहीं कर पाते हैं। तो जब कॉल आया, हम पिक नहीं कर पाए उस कॉल को। आज उसी नंबर से, जिस नंबर से मैंने पिक नहीं किया था, उसी नंबर से 3:30-4 बजे के करीब एक मैसेज आता है, और मैसेज में सिंपली सिर्फ एक ही मैसेज दे रहे हैं वो हमें कि अभिनव को वो जान से मार देंगे। मैं आपको पूरा मैसेज जो मेरे पास आया वो आपके साथ स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी। देखिए, राम भद्राचार्य जी के साथ कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं हुआ था जितना बड़ा मुद्दा बनाया जा रहा है। सोशल मीडिया बिना मतलब के चीजों को उछाल रही है और कुछ नहीं हो रहा है। अभिनव उनके मंजी, पहले तो ये वीडियो इस बार का है ही नहीं, ये वीडियो 2023 का है। अभिनव वृंदावन में हुआ था, ये इंद्रेश जी की कथा थी, वहाँ पे राम भद्राचार्य जी थे, उनके मंच पर अभिनव जब गए तो अभिनव वहाँ पर वो भक्ति में इतने लीन हो गए कि वो भूल गए और वहाँ पर जयकारा लगाने लगे। वहाँ का प्रोटोकॉल भंग हुआ क्योंकि वहाँ पे अभिनव जयकारा लगाने लगा। अभिनव भूल गए थे कि वहाँ पे उन्हें शांत रहना है। जब अभिनव को पता चला कि वहां पे शांत रहना है उन्हें, तब अभिनव को पता है कि आगे मुझे मंच में कैसे रहना है, क्या करना है। उसे ये गलती हुई थी और उसे पता है उसे ये गलती हुई थी, और राम भद्राचार्य जी ने उन्हें आशीर्वाद भी दिया। मैं तो ये कहूंगी कि बड़ों के तो डांट में भी एक आशीर्वाद छुपा होता है, एक प्यार छुपा होता है। तो वो तो हमारे लिए स्वयं भगवान स्वरूप ही है, उनकी डांट भी हमारे लिए प्यार के बराबर, एक आशीर्वाद के बराबर ही है। देखिए, हमने मुकदमा किया, कोई भी मुकदमा खुशी से नहीं करना चाहता। कोई ये नहीं कहता कि चलो आओ आज मुकदमा करने चलते हैं। अगर हम किसी चीज से परेशान हो रहे होते हैं तभी हम मुकदमा करते हैं। सेम ऐसे ही हमारे साथ हुआ, हम परेशान हो रहे। कोई कुछ यूट्यूबर्स ने वीडियोस बनाए, उनको चाहिए क्या था, सिर्फ व्यूज, व्यूज कमाने के लिए, कुछ चंद पैसे कमाने के लिए उन्होंने अभिनव अरोड़ा को अपना टारगेट बनाया। बिना मतलब की वीडियोस बनाई जिसमें हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगाए गए। तो अगर वो हमारे ऊपर झूठे एलिगेशंस लगा रहे हैं तो हमें भी तो आगे न्याय के लिए आगे बढ़ना है ना। क्योंकि मैं चाहती हूँ कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने आगे जाके, कोई और अभिनव अरोड़ा नहीं बने, क्योंकि उसको ऐसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़े जैसे आज अभिनव को करना पड़ रहा है। उसने ऐसा कुछ गलत नहीं किया है, उसने कुछ गलत बोला नहीं है, जो जितना किया उसको बिना मतलब के बड़ा बड़ा चढ़ा के मुद्दा बनाया जा रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ के यही निवेदन करूंगी कि आगे चलकर किसी और अभिनव अरोड़ा को नहीं बनाइए ऐसे, जिससे आप बिना मतलब के उसके ऊपर झूठे लालचन लगा रहे हैं, झूठे एलिगेशंस कर रहे हैं। कृपया ये बंद कीजिए। देखिए, अगर कोई गलत कमेंट कर रहा है तो वो तो हमें क्या, किसी को भी अच्छा नहीं लगेगा। वो ये नहीं सोचते कि आप जिसके लिए कमेंट कर रहे हैं वो कोई और नहीं, एक 10 साल का बच्चा है, और वो भी वो बच्चा जो और कुछ नहीं सिर्फ हरी भक्ति कर रहा है। अगर हरी भक्ति करने पे ऐसे कमेंट्स दिए जाते हैं तो आप लोग खुद सोचिए ना, आप क्या कर क्या रहे हैं। मतलब कई बार
शायद कोई और अभिनव के अलावा कोई और अगर होता तो मैं ये भी कह सकती हूँ कि वो शायद हिल जाता कि मैं भक्ति क्यों कर रहा हूँ, मैं नहीं करूंगा भक्ति, इतनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मुझे पता है अभिनव अपनी जगह पे टिका रहेगा, उसे भक्ति करनी है तो वो भक्ति करेगा, जिसको जो बोलना है वो बोले, जिसको जैसे एलिगेशंस लगाने हैं वो लगाए, अभिनव अपने भक्ति के मार्ग पर हमेशा ही रहेगा, बस राधा रानी की कृपा उन पर हमेशा बनी रहे।